Professor Akbar, your English teacher, and this lecture is for class 8. Subject is English language and topic is active and passive voice. Students, as you know that due to Corona COVID-19, school has been closed for a few days. So that's why I have prepared some exercises for you, so that you, I want to make you busy. So come towards the point. इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जैसे कि ऑलरेडी आप सीख भी चुके हैं, इसमें मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको यहाँ दिए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और इसके एंड में हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत और या मशवरा पाया जाता है। और इसको जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका फार्मूला कुछ यूँ है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस लिखा हुआ है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज हमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास है द डोर लिखा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने लिखा बी, और फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, यानी क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या है? क्लोज्ड। इसी तरीके से अगर इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह के आपके पास आएंगे, एक होगा अफर्मेटिव के सेंस में और एक होगा नेगेटिव के सेंस में। नेगेटिव में अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू नॉट टेल अ लाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने फार्मूला यही होगा एज इट इज़, लेकिन बी से पहले आपने एन ओ टी नॉट लिख देना है। जैसे लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, यानी कि सबसे पहले आपने लेट लिख देना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लाई ये लिख देना है, फिर आपने एन ओ टी नॉट लिख देना है, फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने लिख देना है बी, और फिर आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना, टेल की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ इंपेरेटिव के, ये आप जो है थोड़ा चेंज कर लेना। अगर इन ग्रामर के इन सेंटेंसेज में इस पॉइंट में आपको कोई भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है या आपको कोई मुश्किल या डिफिकल्टी हो तो आप स्कूल आकर मुझसे समझ भी सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेज दिए हैं। इन सेंटेंसेस को आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, तो बारी बारी मैं आपको ये सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप उसको अपने पास लिख भी लें और उसको सॉल्व करें। फर्स्ट वन इज ओबे योर पेरेंट्स, सेकंड सेंटेंस इज लर्न योर लेसन, थर्ड वन इज टीच इंग्लिश, फोर्थ वन इज स्पीक उर्दू, फिफ्थ वन इज मेक टी, और सिक्स नंबर सेंटेंस इज राइट अ लेटर, सेवन ड्राइव अ कार, एट नंबर सेंटेंस इज रीड अ बुक, नाइन्थ नंबर सेंटेंस इज डू नॉट मेक मिस्टेक्स, टेंथ नंबर सेंटेंस इज डू नॉट वॉच मूवी। अब मैं रिपीट कर देता हूँ आपको ये सेंटेंसेस दोबारा से। ओबे योर पेरेंट्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन है लर्न योर लेसन, थर्ड वन है टीच इंग्लिश, फोर्थ वन है स्पीक उर्दू, फिफ्थ वन सेंटेंस इज मेक टी, और सिक्स वन सेंटेंस है राइट अ लेटर, सेवन वाला सेंटेंस है ड्राइव अ कार, एट वाला सेंटेंस है रीड अ बुक, नाइन्थ नंबर का सेंटेंस दिया हुआ है डू नॉट मेक मिस्टेक्स, और टेंथ नंबर है डू नॉट वॉच मूवी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया भी कि किस तरीके से आप इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला भी बताया कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर ये भी मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस जो है तो ये आपके पास अफर्मेटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर अफर्मेटिव में होगा तो फिर फार्मूला वही होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव में आ जाए जैसे कि यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस दिए हुए हैं गिवन है डू नॉट मेक मिस्टेक्स और डू नॉट वॉच मूवी, तो इनको आप किस तरीके से एक्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे? तो आपने फार्मूला यही लिखना है, लेकिन बी से पहले आपने एन ओ टी नॉट लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो इन सेंटेंसेस को आपने सॉल्व करना है और मुझे
फिर भी मैं आपको दोबारा वंस अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर इन सेंटेंसेस को समझने में आपको दुश्वारी पेश आ रही हो या आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप जजमेंट रजिस्टर स्कूल में आकर मुझसे समझ सकते हो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।